गाइस, ये जो आपको थंबनेल दिख रहा है, ये वीडियो मैंने बनाई थी कि बीवीएससी वर्सेस बीएएमएस बेस्ट कौन सा है आपके लिए, बेस्ट कौन सा रहेगा, आपको क्या चाहिए, किस फील्ड में क्या मिलेगा, डिटेल में बताया था एंड बायस रीजन बिल्कुल नहीं दिया था, एकदम क्लियरिटी के साथ जो अभी करंट टाइम में और आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में बताया था, तो बहुत से स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बीवीएससी वर्सेस बीडीएस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी है और मोस्ट आस्क्ड क्वेरी है कि बीवीएससी वर्सेस बीडीएस में क्या बेस्ट रहेगा, इस वीडियो के अंदर वो कवर करूंगा। एंड एक बात और बोलना चाहूंगा कि देखो, माय नेम इज देव तिवारी, आई एम अ करंट बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस सेकंड ईयर स्टूडेंट एंड आई ऑल्सो डू काउंसलिंग एंड एडमिशन। इफ यू वॉन्ट एडमिशन इन एनी मेडिकल कोर्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और एक बात और ये बोलना चाहता हूं कि जैसे कि मैं एक वेटनरी का यूट्यूबर हूं, तो मैं घुमा फिरा के एंड में क्या बोलूंगा कि वेटनरी बेस्ट है, उसे बोलते हैं बायस्ड रीजन, ठीक है। अगर मैं बीडीएस का फॉर एग्जांपल मैं डेंटल का स्टूडेंट होता और ऐसे ही मेरा कोई यूट्यूब चैनल होता, तो मैं क्या बोलता लास्ट में, घुमा फिरा के बोल देता कि डेंटल बेस्ट है। हालांकि कुछ लोग को पता है कि क्या बेस्ट है, क्या उन्हें करना चाहिए, कोर्स दोनों अच्छे हैं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, जो फैक्ट्स हैं वो आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पे लेके चलूंगा, आप देख लेना, एंड बायस रीजन बिल्कुल नहीं होगा। एज ए स्टूडेंट, एज ए काउंसलर, एज ए करियर गाइडेंस के तौर पे मैं आपकी हेल्प करूंगा ताकि आप दोनों में से सेलेक्ट कर सके कि आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, देखो स्क्रीन पे आ गए, मैं आपको अब डिटेल में बता देता हूँ कि किसमें कौन सा बेस्ट है, आपके लिए क्या सही रहेगा, मतलब ठीक है। सबसे पहले हम फोकस एरिया पे बात करते हैं। फोकस एरिया में देखो, बीवीएससी फोकस करता है अपने किसके ऊपर, स्टडी ऑफ वेटनरी साइंस कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हेल्थ, एनिमल का वेलफेयर, मैनेजमेंट, इसके अंदर स्टूडेंट पढ़ते हैं कि एनिमल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिजीजेज, सर्जरी एंड फार्माकोलॉजी, किसके रिलेटेड, एनिमल के रिलेटेड। एंड बीडीएस ह्यूमन के आपको पता है कि इसमें हम डेंटिस्ट्री पे फोकस करते हैं, ओरल हेल्थ पे स्टूडेंट इसमें लर्न करते हैं, ओरल एनाटॉमी का, डेंटल डिजीज का ट्रीटमेंट का, डेंटल प्रोसीजर, प्रिवेंटिव ओरल केयर, मतलब कि बेसिकली हम इसमें सब कुछ पढ़ते हैं टीथ से रिलेटेड, यहां ये टीथ की साइंस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि बीवीएससी बीडीएस का तो सबको पता है कि इसमें क्या होता है। कैरियर अपॉर्चुनिटी में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या मैं आपको बता सकता हूं, देखो बीवीएससी के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो वर्क कर सकते हैं वेटनेरियंस, वेटनेरियन बन गए ऑब्वियसली वो बन गए डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद वो क्लिनिक्स में ओपन कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, चाहे आइदर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, जू में जा सकते हैं, फार्म्स में जा सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं इलनेस, परफॉर्म सर्जरी करते हैं, एनिमल हेल्थ, मतलब एनिमल को ट्रीट करना है बेसिकली एनिमल के ट्रीटमेंट में। अब बात करते हैं बीडीएस ग्रेजुएट क्या करते हैं, बीडीएस ग्रेजुएट इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि बीडीएस ग्रेजुएट का क्या काम रहता है, उनका भी यही रहता है। देखो ग्रेजुएट्स होते हैं, वर्क कर सकते हैं डेंटिस्ट इन प्राइवेट डेंटल प्रैक्टिस, मतलब जो क्लिनिक होते हैं, डेंटल क्लिनिक, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में डायग्नोस और ट्रीट करते हैं डेंटल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीथ, ठीक है, ये इसके अंदर ट्रीट करते हैं। प्रोसीजर हो गया फिलिंग्स, एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल्स, एजुकेट पेशेंट ऑन ओरल हाइजीन, बेसिकली ट्रीटमेंट करते हो, बट ट्रीटमेंट किसका होता है इसके अंदर, टीथ का। ऐसा नहीं है कि आप अदर बॉडीज पार्ट को ट्रीट करोगे, नहीं, ओनली आपकी साइंस रिलेटेड होती है इसके अंदर टीथ की, बेसिकली यू आर डॉक्टर ऑफ, मतलब कि जो हमारे बॉडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओरल कैविटी और टीथ बोल सकते हैं, इसके अंदर ये होता है। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि पेशेंट की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, बीवीएससी के अंदर क्या है, वेटनेरियंस प्राइमरी डील विद वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, पेट्स अपने क्या हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, कैट हो गया, इतना थोड़ी है यार, कैटल है, बफेलो है, ठीक है, या और डियर है, कितने गिना दूँ, रैबिट है, माउस है, और मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर लायन है, वाइल्ड लाइफ के जितने आगे टाइगर है। अब इसके लिए तो वाइल्ड लाइफ में जाना पड़ेगा, पीजी करनी पड़ेगी, बट जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स, सभी का ट्रीटमेंट वेटनेरियंस करते हैं, सब ये सब काम वेटनेरियंस का होता है, कोई भी एनिमल हो। अब आपको सब सिखाया जाता है कि, और आप आगे जाके अपनी परस्यूट डिग्री करते हैं जो मास्टर्स में, सभी एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए होता है। डेंटल जो बीडीएस होता है उसके अंदर क्या करते हैं, ओरल हेल्थ और केयर ऑफ ह्यूमन एज ग्रुप्स फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्ट्स, ओनली टीथ पे होता है इसका, बट हाँ ये भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। एक मतलब ये बात है कि देखो, इसके अंदर बीवीएससी में आपको सारी स्पीशीज मिल जाएंगी, सब पे आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो कुछ भी, ठीक है, उनको ट्रीट करना, बट आगे जाके आपको किसी पर्टिकुलर में जाना है तो आपको एमबीएससी करके एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। बट इसके अंदर क्या है, बीडीएस में आपको स्टार्टिंग में स्ट्रीम दे दी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली टीथ पे रह जाएंगे, कुछ लोगों का डाउट रहता है, बट स्टार्टिंग में स्ट्रीम दे दी, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी रहता है। चलो इस पे भी आ गए, मतलब मेन जो आंसर चाहिए वो आपको मैं दूंगा। स्कोप क्या है, मतलब सबको स्कोप से पड़ता है। देखो वेटनेरियंस क्या करते हैं, जो वेटनेरियंस होते हैं वो ब्रॉड स्कोप बहुत कर सकते, ब्रॉड में मतलब काफ़ी अच्छा स्कोप है उनका, डील करते हैं प्रिवेंटिव केयर, डायग्नोस्टिक, मेडिकल एंड सर्जरी ट्रीटमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है। बीडीएस में क्या होता है कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं, मतलब ओरल कंडीशन को, जैसे कैविटी हो गई, गम हो गया, ओरल कैंसर हो गए, प्रोवाइड प्रिवेंटिव केयर देते हैं डेंटल प्रोसीजर से, एंड जो गम डिजीज हो गई इनके बारे में, मतलब बेसिकली बीडीएस वाले आपको ट्रीटमेंट देते हैं, आपको
ओरल से रिलेटेड जितनी भी आपकी होती हैं, तो स्कोप मतलब आगे क्या क्या कर सकते हो आप इसके अंदर, ये आपको बता दिया इसके अंदर मैंने। अभी मैंने आपको पेशेंट की पॉपुलेशन बता दी, कहाँ जा सकते हो आप। अब मेन आगे आपको मैं एक स्लाइड में और बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में देखो, बीबीएससी कितने की होती है, ये होती है 5.5 ईयर्स का ग्रेजुएट कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट यूजी, और उसके अंदर क्लासरूम लेक्चर वगैरह मतलब लेबोरेटरी सेशन, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है हम क्या करते हैं। बीडीएस भी इतने का ही होता है, ऑब्वियसली इसमें लिखा हुआ है 4 to 5, बट 5.5 ईयर्स का इतना होता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जिसमें भी यही क्लासरूम लेबोरेटरी आप सबको सीखते हो यार, मतलब बेसिकली कॉलेज और एजुकेशन कैसे लेते हो ये है इसके अंदर। अब बात करते हैं लाइसेंस, बीबीएससी का लाइसेंस प्रोवाइड करती है वीसीआई, ठीक है। लाइसेंस प्रैक्टिस के लिए होता है आपका इसके अंदर, जो कि आपको प्रैक्टिस में आगे हेल्प करेगा, एंड इसके अंदर जो आप लाइसेंस होता है उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो बीसीआई काउंसलिंग के अंडर इंडिया के अंदर। अब्रॉड जाना है तो उसके लिए सर्टेन एग्जाम्स होते हैं। बीडीएस के अंदर लाइसेंस मिलता है जब आपको, उसके बाद आप सक्सेसफुल कंप्लीशन कर लेते हो अपनी डिग्री का और स्टेट लाइसेंस एग्जाम क्लियर करते हो, कई जगह होता है कहीं नहीं होता है, और तो उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो बीडीएस में। अब बात करते हैं कि सब इनके बारे में डिटेल तो सारी मिल गई है आपको, कंक्लूजन तो दो कि क्या बेस्ट है। देखो कंक्लूजन मैं आपको अब बताना चाहता हूँ, यहाँ तक तो आपको कुछ लोग तो अभी समझ गए होंगे, मैं बताता हूँ। देखो बीबीएससी एंड बीएस दोनों रिवार्डिंग करियर हैं और जिसमें डिफरेंट पेशेंट पॉपुलेशन है, बट मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, आपको मैं कंक्लूजन बताता हूँ, एक सैलरी का डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। अब ये सैलरी का डिफरेंस आपके सामने है, जो इंडिया के अंदर मैं आपको बताता हूँ सैलरी कितनी है। जो एंट्री लेवल डेंटिस्ट होते हैं उनकी सैलरी होती है 20,000 से 40,000 पर मंथ के अंदर, ठीक है, वो भी लोकेशन पर डिपेंड करती है। एक्सपीरियंस डेंटिस्ट कितना अर्न कर सकते हैं, हायर सैलरी मतलब 1 लाख पर मंथ जा सकती है, और डेंटिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, प्राइवेट में कर सकते हैं, ठीक है, इतना पता चल गया। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस के अंदर कितना सैलरी का डिफरेंस हो सकता है। देखिए वेटनेरियन स्टार्टिंग कितने शुरू होती है, एंट्री लेवल वेटनरी की सैलरी स्टार्टिंग से शुरू होती है 15,000 से 30,000 पर मंथ, जो कि सेम है एग्जैक्ट उनके, और वेटनेरियन सेवरल इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद हाई डिमांड एरिया में जाते हैं तो वो अपना पॉसिबली 50,000 से 1 लाख तक रीच कर जाते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट में भी वेटनरी की वैकेंसी आती है, प्राइवेट में भी आती है, बेसिकली जो जितने फैक्ट्स और डाटा बता रहे हैं वो दोनों चीज़ को सेम बता रहे हैं, ठीक है, तो मतलब सैलरी में भी सेम बताया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं क्या बताना चाहूँगा, जो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, बस जो डाटा है वो एग्जैक्ट मेरे को सेम दिखाना पड़ेगा, कोई एग्जैक्ट जो आता है ये एक्चुअली चैट जीपीटी से मैंने डाटा लिया है, जो कि अलग अलग रिसर्च से शुरू मतलब अपना डाटा देखता है एंड फाइनल बताता है, तो मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ कि फाइनल आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। हाँ तो आप कुछ कहेंगे कि इंटरेस्ट तो एमबीबीएस में है बट मिल नहीं रहा, तो सोच रहे हैं फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बीबीएससी कर लें या बीडीएस कर लें, तो देखो यार इंटरेस्ट बनाओ। अगर आपको लगता है ना कि आप एनिमल ट्रीट कर सकते हो, आपको अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली बीबीएससी करो। अब आपको लगता है कि अगर मैं किसी के दांतों को ठीक कर सकता हूँ, मुझे डेंटल काम डेंटल से रिलेटेड मतलब टीथ से रिलेटेड काम करना अच्छा लगता है, तो आप डेंटिस्ट की साइंस में मतलब टीथ की साइंस में जाओ, ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आप वैसा कोर्स करोगे जिसके अंदर आपको सेटिस्फेक्शन मिले, डेफिनेटली यू कैन अर्न हाई सैलरी, और आप बहुत अच्छी सैलरी अर्न कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डेंटल लोगे या वेटनरी लोगे इसमें अच्छा नहीं कर पाओगे, उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे, जो आप करोगे अपने इंटरेस्ट से करो, आप उसके अंदर डेफिनेटली अच्छा करोगे। इस वीडियो के अंदर यही था कंक्लूजन, मैंने कन्फ्यूज नहीं किया आपको, एग्जैक्ट सच बताया है। किसी साइंस को डीमोटिवेट करना एक इन्फ्लुएंसर का काम नहीं होता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बीडीएस बुरा है बीबीएससी अच्छा है, या दोनों में से बीबीएससी बुरा है बीडीएस अच्छा है, बीबीएससी भी अच्छी है, डिपेंड्स ऑन यू। सैलरी का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्या पता बीडीएस वाला 50,000 ज्यादा कमाए, क्या पता बीबीएससी वाला 50,000 ज्यादा कमाए साल के अंदर, पर मंथ सैलरी में ओनली 15-20,000 डिफरेंस रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। एंड जो अपने करियर में अच्छा करता है डेफिनेटली वो हाई सैलरी अर्न करता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।